बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा बहारों के साए में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम काले चने बनाने लगे हैं, जिसको मैंने सुबह गीला किया था नमाज के बाद 5 बजे। अब दोपहर का टाइम है, हम इसको बनाने लगे हैं। अगर आपने शाम को बनाने हैं, सुबह गीला कर लें, 5-6 घंटे इसको गीला रहना चाहिए। ये 1/2 किलो चने हैं, ये देख लें फूल के कितने ज़्यादा हो चुके हैं। अब मैंने इनका जो पानी है वो निकाल दिया। ये 1.5 चम्मच नमक है, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, ये 3 बड़े प्याज काटे हुए हैं, ये टमाटर, लहसुन और 3-4 सबज मिर्चें। सारी चीज़ें हम प्रेशर के अंदर डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। पानी हमने इतना डालना है कि चने हमारे डिप हो जाए। पानी देख लें, सिर्फ 2 गिलास इसके अंदर गया है। अब हम प्रेशर बंद कर देते हैं और आग जला देते हैं। जब सीटी चलेगी तो तकरीबन 15 मिनट हमने सीटी को चलाना है। सीटी बोलना शुरू हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट हमने इसको चलाना है, फिर हम इसको बंद करके खुले बर्तन में डाल देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसको खुले बर्तन में शामिल कर लेते हैं, डाल लेते हैं। ये देख लें आग मैंने जला ली है, अभी भी इसके अंदर हल्का हल्का पानी है। और चने देख लेते हैं हमारे गल गए हैं कि नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसमें 2 डोई भर के ऑयल की डालते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये साबुत चीज़ें हैं, लेकिन ये हम इसको भूनते जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब हम खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा, ये शामिल कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको अभी पकते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें कि ये भी ऊपर आ गया है। अब ये हम मसाला ज़्यादा डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट आप इसको मज़ीद भुनेंगे। ये देख लें 5 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें घी छोड़ दिया, बहुत अच्छे से इसको हमने भून लिया है। अब आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी डाल लें। मैं ये वाले 4 गिलास पानी के शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबाल आने पर हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि शोरबा भी हमारा अच्छे से पक जाए। अब ये धनिया हमने धो के काट लिया है और 2-3 सबज मिर्चें शोरबे के अंदर शामिल कर देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें ऑयल भी ऊपर आ चुका है, ये तैयार है। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जगह पे आके आप नमक भी चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपने टेस्ट के मुताबिक आप रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये तैयार है। देख रहे कितनी प्यारी लुक आई है, ये देखें। और ये शोरबा भी देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह।